नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक स्टडी और मैं हूं आपका साथी गौरव। बोर्ड परीक्षाओं पर एक विशेष अपडेट लेकर के इस वीडियो के माध्यम से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के जो काफ़ी असमंजस बना हुआ है उसकी अपडेट्स लेकर के मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी पर। साथियों, 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं उसको लेकर के काफ़ी अच्छी भी कह सकते हैं, एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि जो असमंजस बना हुआ था स्टूडेंट्स में एग्जाम्स होंगे या नहीं उसको लेकर के एक अपडेट्स। तो चलिए आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर जो एक जारी किया गया है कि क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले आपको हरियाणा बोर्ड के दिखा देता हूँ। 12वीं की परीक्षा के लिए हरियाणा है तैयार, 20 जून से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएँ। 12वीं की परीक्षाओं के लेकर हरियाणा बोर्ड ने क्या कहा है, यदि कोरोना संक्रमण घटा और केंद्र से मंजूरी मिली तो हरियाणा बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 20 जून से शुरू हो सकती हैं। ऐसा कहा है, प्रदेश सरकार जो है वो परीक्षाएं कराने के पक्ष में भी हैं। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल बदला है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे। सेंटर भी जो अपने अपने स्कूल्स हैं जहां पर बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, वहीं पर ही सेंटर होंगे और 90 मिनट का एग्जाम होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे। इस बात पर हरियाणा बोर्ड ने जोर दिया है, ये साफ लिखा है इन्होंने, परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, पर्सन वस्तुनिष्ठ आधार के होंगे और पेपर का समय जो है 90 मिनट का होगा। ये परीक्षा जहां होगी, जहां बच्चा पढ़ रहा है, जोन से स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसी में परीक्षाएं होंगी। ये जानकारी हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जो है डॉक्टर जगवीर सिंह, उन्होंने ये भास्कर के साथ और अन्य अखबारों के साथ जो प्रेस वार्ता की गई थी उसके साथ इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन साझा की है। वहीं मंत्री जो कृष्ण कंवर पाल गुर्जर हैं उन्होंने कहा है कि 12वीं की परीक्षाओं पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर है, ऐसे में परीक्षाएं लेने पर पूरा विचार है और यदि कोई बच्चा कोविड से प्रभावित होगा तो उसे दोबारा से मौका भी मिलेगा, ऐसा हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कहा है। और CBSE की 12वीं की परीक्षाओं पर अभी फैसला नहीं है। परीक्षा के दो ही विकल्प हैं, पहला है छात्र अपने स्कूल में विषयों की परीक्षा दें, समय 1.5 घंटे का किया जाए और पेपर शॉर्ट आंसर के हों या ऑब्जेक्टिव। परीक्षा केंद्र पर पूरे 3 घंटे की परीक्षा हो लेकिन पेपर जो है कौन से विषय का हो, केवल मेजर विषयों का हो। असेसमेंट के जो बचे हुए विषय हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो दिए जाएं। साथ ही इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सरकारों ने जो कल बैठक हुई थी उसमें अलग अलग राय दी है, किसी ने अलग राय दी है, किसी ने अलग अलग राय दी है, सब ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है। किसी ने ऑनलाइन परीक्षाओं पर सुझाव ज़्यादा दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, किसी ने कहा है कि ऐसे समय अनुकूल नहीं है, अभी परीक्षाओं पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। सभी ने अपनी अपनी, इन्होंने कुछ ने कहा है कि उनकी मानसिक दशाएं सही नहीं हैं, ऐसे में परीक्षाओं में बैठना मुश्किल है, यानी सब ने अलग अलग राय दी है। परीक्षा होगी या नहीं इसको 1 जून को अंतिम फैसला। CBSE की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी ये होंगी कि 1 जून को अंतिम फैसला होगा कि परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई थी जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें सभी केंद्रीय मंत्री थे, काफ़ी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के अफसर थे, जो एजुकेशन लेवल से जुड़े हुए हैं मंत्री हैं, काफ़ी अधिकारीगण हैं वो हैं, और जो है रद्द न किए जाने के पक्ष में अधिकतर थे कि परीक्षाएं हों, किसी भी माध्यम से हों, ऑनलाइन हों, ऑब्जेक्टिव हों, खुद के जहां बच्चा स्टडी कर रहा है वहां पर सेंटर हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षाएँ आयोजित की जाएं। इसलिए संभावना बन रही है कि परीक्षाएं जुलाई के मंथ में शुरू की जा सकती हैं, आयोजित की जा सकती हैं। इसको लेकर के राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री ने विचार रखे कि ज़्यादातर परीक्षाओं के पक्ष में रखे गए हैं, कि अधिकतर लोगों ने कहा है, अधिकतर अधिकारियों ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है कि परीक्षाएँ हों, छात्रों और अभिभावकों की अनिश्चितता बहुत जल्द दूर करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। फॉर्मेट तय नहीं है, 12वीं की परीक्षा के लिए अभी फॉर्मेट तय नहीं है। 1 जून को तारीखों का ऐलान हो सकता है, वहीं 12वीं के एग्जाम कराने का फैसला जो स्टेट बोर्ड हैं उनके ऊपर भी छोड़ दिया गया है। सिर्फ 3 एग्जाम जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, ऐसा CBSE ने कहा। यानी जो मेजर सब्जेक्ट हैं 12वीं में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के जो 3 मुख्य विषय हैं उनके ऊपर भी विचार किया जा सकता है कि केवल उन्हीं के एग्जाम्स हों और बाकी के इंटरनल असेसमेंट जो नंबर मिलेंगे उसके आधार पर भी ये फॉर्मूला
बन सकता है और जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उन्हें फिर से एक मौका मिल सकता है। इसी के साथ दो विकल्प और बने हैं। पहला विकल्प बनाया कि मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा हो, जो सेंटर है उसके तहत प्री एग्ज़ाम के लिए 1 महीना और इस प्रकार से कुल 3 महीने की जो समय सीमा है वो चाहिए। दूसरे विकल्प क्या है कि 90 मिनट का एग्ज़ाम हो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, ये इसके लिए 45 दिन का समय बोर्ड को चाहिए। तो विचार ये होगा कि क्या तो पहला विकल्प अपनाया जाए या दूसरा विकल्प अपनाया जाए, लेकिन संभावनाएं जहां तक बन रही हैं कि जुलाई मंथ में एग्ज़ाम आयोजित करवा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने, अधिकारी लेवल के अधिकारी जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, सब ने एग्ज़ाम्स कराने के पक्ष में ज़्यादातर सुझाव दिए हैं। अब 25 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद में जैसे ही कोई अपडेट होगी आपको क्लिक स्टडी चैनल पर सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। आपकी भी कोई यदि राय है तो आप डायरेक्ट रमेश पोखरियावाल निशंक, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके ट्विटर अकाउंट पर भी भेज सकते हैं। उन्होंने भी एक कल बयान जारी किया था कि यदि आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप मेरे डायरेक्ट जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी टैग करके आप भेज सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई और अन्य सुझाव है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर भी कॉमेंट्स कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुनहरी भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ।